Welcome to my channel Shine with Nancy, and in this video I am going to show you how to make beetroot halwa. और वो भी कैसे, जो हमारा मिक्सचर बच गया था उसे थ्रो नहीं करना है हमने, उसका हम हलवा बनाएंगे. मिक्सचर बच गया था लिप बाम बनाने के बाद. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज गाइस पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइस चलिए देखते हैं कैसे बनता है बीटरूट हलवा, मतलब चुकंदर का हलवा. तो इसके लिए क्या क्या आपको इंग्रेडिएंट्स चाहिए मैं बता देती हूँ. एक गिलास आपको दूध का चाहिए, शुगर चाहिए 5 टेबलस्पून, क्लैरिफाइड बटर या देसी घी जिसे कहते हैं हम 3 टेबलस्पून चाहिए आपको, और इलायची 4 मैंने कूट ली हैं उसका पाउडर चाहिए, और ड्राई फ्रूट्स जैसी आपकी चॉइस है, जो जो ड्राई फ्रूट्स आप चाहते हैं इसमें डालना. फिर हमने एक पैन लेना है और उसको लो फ्लेम पे रख देना है. उसके बाद हमने देसी घी डाल देना है इसमें 3 टेबलस्पून. उसके बाद हम सारा चुकंदर जो है बीटरूट वो सारा पैन में डाल देंगे और इसको फिर अच्छे से हिलाएंगे, हम पूरा मिक्स कर लेंगे इस घी को चुकंदर के साथ. फिर 10 मिनट के लिए हम इसको कुक करेंगे, सो दैट आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कैसा हो गया. हमें इसकी क्वांटिटी एटलीस्ट आधी कर देनी है, हाफ कर देनी है हमने, जैसे कि आप देख सकते हैं आधी क्वांटिटी होगी इसकी. इसके बाद हम ऐड करेंगे 1 गिलास जो दूध का है मिल्क, और फिर इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से. इसके बाद हम ऐड करेंगे शुगर, जैसे कि मैंने कहा कि 5 टेबलस्पून, आप उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं क्योंकि चुकंदर में जो मीठा है थोड़ा आप नॉर्मली जितना डालते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा डालना चाहिए. इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी इलायची का पाउडर जो मैंने पिसा हुआ था, और फिर मैंने इसमें डाल देनी है जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं आपके पास, जो भी आप डालना चाहते हैं वो इसमें ऐड कर लीजिए. मैंने सिर्फ किशमिश डाली है इसमें. 10 मिनट के लिए और कुक करना है, बट उसको हिलाते रहना, नीचे से वो चिपकना नहीं चाहिए. जब घी सेपरेट होने लग जाए हलवे से, इसका मतलब आपका हलवा रेडी है खाने के लिए. सो देख सकते हैं अब हलवा रेडी हो गया है. इसको गार्निशिंग के लिए मैं कोकोनट पाउडर डाल रही हूँ, आप कुछ और भी ट्राई कर सकते हैं, और थोड़ी किशमिश, बादाम, जो भी ड्राई फ्रूट्स आप चाहते हैं इसको, जिससे आप इसे डेकोरेट करना चाहते हैं. आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई हो. सो प्लीज़ गाइस कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कैसी लगी आपको ये वीडियो, और अच्छी लगने पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. Bye-bye. Take care. Stay home. Stay safe.